हे गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए EDS ट्यूटोरियल के अंदर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी फुटरेस्ट को स्टेबलाइज कर सकते हो अगर आप EDS सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है, मैं बेसिकली EDS 10 के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट वॉट एवर EDS वर्जन यू आर यूजिंग, 7, 8, 9, 10, तो आप उसमें सब में सेम ट्रिक को अप्लाई करके अपनी फुटरेस्ट को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज, गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन होता है ना, वो दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए और क्विकली जंप कर लेते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और समझ लेते हैं इस प्रोसेस के बारे में। सो अभी आपको स्क्रीन पे फुटेजेस नजर आ रही होंगी दो, तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे शेकी फुटेज जो है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एक वाइल्ड लाइफ वीडियो शूट करने के लिए मैं गया था भरतपुर बर्ड सेंचुरी, तो वहाँ पे मैंने शॉट किया था। ये वीडियो 100 फ्रेम्स में है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है, बिकॉज मैंने 200-600 mm से ये वीडियो शूट की थी विदाउट ट्राईपॉड। तो जनरली क्या होता है, एक सबसे कॉमन ट्रिक हम लोग ये यूज़ करते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल करनी है फुटेज, और अगर आपने 50 फ्रेम पे शूट किया है, तो आप उसे थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, अराउंड 2 टाइम स्लो डाउन कर लो फुटेज को। जैसे ये जो पीछे वाली फुटेज अगर आप मेरी देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा शेकी है, और ये जो है वो 50 फ्रेम पे शूट हुई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली जो है वो 2 टाइम स्लो डाउन करूंगा, तो मेरी फुटेज थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल नज़र आएंगी। बट दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पे आज मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो बताने वाला हूँ एक्चुअल स्टेबलाइजेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स इफेक्ट पैनल में आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पैनल मिल जाता है। इफेक्ट पैनल में आपको वीडियो फिल्टर्स में आना है, और वीडियो फिल्टर्स में आपको स्टेबलाइजेशन एंड रोलिंग शटर करेक्शन और स्टेबलाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है यार, जो हम जेनरिक कैमराज दीज डेज यूज़ करते हैं, दीज आर दी कंज्यूमर कैमराज, इनमें रोलिंग शटर इफेक्ट आपको ऑफकोर्स नज़र आता ही आता है। और रोलिंग शटर इफेक्ट का करेक्शन जब हम पैन और टिल्ट मूवमेंट देते हैं, तो वो हमें बेसिकली कॉर्नर्स में नज़र आता है, स्पेशली जब आप 4K फुटेज को रिकॉर्ड कर रहे हो तो ज़्यादा नज़र आता है। तो अगर आपको रोलिंग शटर करेक्शन करना है और साथ साथ में स्टेबलाइजेशन अपने कंटेंट में ऐड करना है, देन गो विद दिस सेकंड ऑप्शन। और अगर आपको केवल स्टेबलाइज करना है, रोलिंग शटर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन गो विद फर्स्ट जो आपको स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन मिलता है। बट आई वुड प्रेफर कि आप ऑफकोर्स स्टेबलाइजेशन एंड रोलिंग शटर करेक्शन के ऊपर क्लिक करें। आपको करना क्या है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी क्लिप के ऊपर। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये जो इफेक्ट है बेसिकली क्या करता है, ये एक एक फ्रेम को एनालाइज करता है, हर फ्रेम को एनालाइज करके और उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर स्टेबलाइजेशन को अप्लाई कर देता है। बट एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करेगा कि कितनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की आपकी फुटेज को ज़रूरत है। की फ्रेम, हर फ्रेम के बेस पे ये क्रॉप फैक्टर आपके फुटेज में डाल देगा। अराउंड 10% और 15% का क्रॉप आपकी फुटेज में आ जाएगा। क्रॉप आने के बाद में आपकी फुटेजेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज दिखेंगी कंपेयर टू योर ओल्डर वीडियो जो आपने विदाउट स्टेबलाइज के शूट किया था। तो ये जो तरीका है सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है जो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप स्टेबलाइज करना चाहते हैं अपनी क्लिप्स को वेडिंग एडिटिंग में। और इसके साथ साथ में जैसे मैंने ये वाइल्ड लाइफ कॉन्टेंट आपको दिखा दिया है, बट अगर आप किसी और टाइप का कॉन्टेंट शूट करें जहाँ पर आपने हैंड हिल्ड वीडियोज़ बनाए हुए हैं, देन दिस इज़ दी सॉर्ट ऑफ अ फिल्टर और इफेक्ट यू कैन यूज़ टू मेक योर फुटेजेस मोर स्टेबलाइज। अब सच्ची बताएं तो गाइस, EDS 10 एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है तो मैंने बाय द वे इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये ग्लास वैली EDS X Pro पर्सनल। तो ये बेसिकली एक एक्चुअल लाइसेंस है जो कि EDS की वेबसाइट से आप परचेज करेंगे। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसमें कोई भी कमीशन इन्वॉल्व नहीं है। 17,660 रुपीज़ समथिंग जो है ये आपको EDS की एक्चुअल वेबसाइट से मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, इसका जो लॉगिन आईडी है वो आप किसी भी लैपटॉप पे लॉगिन करके और इसे यूज़ कर सकते हो। तो मतलब एक यूज़र एक लैपटॉप पे नहीं डिपेंडेंट है, जो आप मार्केट से खरीदते हैं वो एक सिंगल सिस्टम पे ही चलता है, बट इस सॉफ्टवेयर को आप लॉगिन आईडी से किसी भी अदर सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हो। तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप EDS को ख़रीदना चाहते हैं 10 को। अब आप देख सकते हैं इसने की फ्रेम सारे जो है वो एनालाइज कर लिए हैं, और फुटेज को जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज करने की कोशिश करी है। सो अभी जो है मेरे की फ्रेम्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो चुके हैं, बट अगर आप देखेंगे बिकॉज मेरा हाथ बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था वीडियो के अंदर, तो फिर भी इतना ज़्यादा
अच्छे से इसने स्टेबलाइज नहीं किया है क्लिप को, बट इसके अंदर जब आप यू नो इफेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑफ, स्मूथनेस ऑफ और स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन मिलता है, तो अगर मैं और ज़्यादा फुटेज को स्टेबलाइज करना चाहता हूँ तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग की तरफ ले जाऊँगा, बट यू कुड सी कि मेरी फुटेज ज़्यादा क्रॉप हो जाएगी, तो ये अराउंड अभी ऑलमोस्ट 30% क्रॉप हो गई है बिकॉज मेरी फुटेज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, और अगर अब मैं प्लेबैक करके देखूँ तो मेरी फुटेज कंपेयर टू ओल्डर सॉर्ट ऑफ फुटेज से ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्टेबलाइज नज़र आती है। इस तरीके से आप स्केलिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो कि आप कितना ज़्यादा स्केल करना चाहते हो अपनी क्लिप्स को साइमल्टेनियसली, 2D रोटेशन और 3D रोटेशन, इसके अलावा रोलिंग शटर को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया है एंड माय फुटेज इज गोइंग टू लुक बेटर कंपेयर टू दी माय ओल्डर फुटेजेस। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एज आई सेड, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको EDS के जो है वो लिंक मिल जाएंगे अगर आप खरीदना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली मेरी मास्टर क्लास भी है EDS के ऊपर, कलर ग्रेडिंग की भी मास्टर क्लास है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाकर के डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, उस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।